लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एप्पल के इंजीनियर विवेक तिवारी की हत्या के आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप दोनों जेल की चार दीवारी में बंद हैं। मामले की कार्रवाई के लिए गठित की गई एसआईटी टीम जांच में जुटी है। वहीं आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप पर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लामबंद होते नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर बकायदा अभियान चलाया जा रहा है। सूबे के सभी पुलिसकर्मी विवेक हत्याकांड में एक तरफा कार्रवाई और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। इसके लिए यूपी राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद की ओर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें विवेक तिवारी हत्याकांड में सिपाहियों पर कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए विरोध की तैयारी की गयी है। 6 अक्टूबर को यूपी राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद ने इसके लिए इलाहाबाद में मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, अवकाश की समस्या, आत्महत्या और हत्या के विरोध से जुड़ी रूपरेखा तय होगी। वहीं खबर तो ये भी है कि पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन यूपी ने 5 अक्टूबर को काला दिवस मना सकती है। हर विभाग से आएंगे, जीआरपी से आएंगे, पीएससी से आएंगे, पुलिस से आएंगे, हमारी जो 22 शाखा है सभी से। तो विरोध का स्तर क्या होगा? क्या विरोध का स्तर 6 तारीख के बाद हम निर्णय लेंगे। हम अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे, इसीलिए हमने मीटिंग आहूत की है। एक मीटिंग 5 तारीख से हमारा काली पट्टी का है, लगातार अनिश्चितकालीन चलेगा, पूरे यूपी पुलिस वाले करेंगे, जो भी नानंग स्टेट है सभी करेंगे। और उसके बाद मीटिंग में हमारी इच्छा ये है, व्यक्तिगत हमारी इच्छा ये है कि हम 1 जनवरी से, हमने शासन को भी बता दिया है, अभी लेटर भी जारी करेंगे, 1 तारीख से पूरे यूपी पुलिस के जवान अवकाश पे जाएंगे। इसके अलावा प्रशांत चौधरी की पत्नी राखी की अपील पर केस लड़ने के लिए उसके अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि राखी के अकाउंट में 5,28,000 रुपए जमा हो चुके हैं और कुल 5 करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार कर रखी है। इस घटना के बाद जहां एक तरफ पूरा देश आरोपी सिपाहियों की करतूत की निंदा कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के कारिंदे अब भी सुधरने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि पुलिस विभाग के सिपाही हत्या रूपी सिपाही प्रशांत चौधरी के पक्ष में लामबंद नजर आ रहे हैं। ये लोग अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर खुलकर हत्या रूपी सिपाहियों का समर्थन भी करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।